Shiv Deepa, welcome back to my channel. I'm back with another video. I hope you all are doing well. So, अभी बज चुके हैं 3:30 और बहुत ज़्यादा धूप लग रही है अभी और मेरी आँखें भी नहीं खुल रही है. सो बट ये बैकग्राउंड ही इतना अच्छा है कि मेरा मन करता है मैं हर ब्लॉग अपने ही बैकग्राउंड से स्टार्ट करूँ, इस व्यू के साथ स्टार्ट करूँ. सो अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है मनाली में. लाइक मैंने देखा जो भी ब्लॉगर जो भी यूट्यूबर मनाली आते यूजुअली वहीं जाते हैं, विजिट करते हैं. वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है और बहुत अच्छा कुछ मतलब मिल जाता है वहाँ पे. सो हम भी वहाँ पे विजिट कर रहे हैं. सो लेट्स सी वहाँ पे क्या क्या मिलता है, कैसा रहता है. तो मैं आपको भी अपने साथ ले जाऊँगी और दिखाऊँगी वहाँ का व्यू और वहाँ पे क्या क्या प्राइजेज होते हैं, कैसा स्टॉल होता है, क्या क्या चीज़ें मिलती है वहाँ पे बेसिकली. सो वो सब दिखाने वाली. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. यूजुअली शॉप्स में सो ये चीज़ है बट क्वालिटी अच्छी है. और अभी हमें एक ही चीज़ ले रखी है हमने. हाँ अभी हमें और चीज़ चेक करनी है क्योंकि हाँ आरव है, नेहा है और सुबह है, वो तीन क्यूटीज के लिए लेना है हमें. कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो, उनको तो उनके लिए हम देखते हैं. कुछ भी हमें अच्छा से दिख गया तो हम सारी शॉप में पहले देखते हैं फिर कुछ खाएंगे हम. फ्लैट से आप भी हमारे साथ देखते रहिए. और गाइस हाँ क्या गई थी, आप तो हम ही नहीं है जो आप ब्लॉग कर रहे हैं. हाँ तो ब्लॉग कर रहे हैं
बहुत है, मतलब यहाँ के लोग, यहाँ के लोग काफ़ी इंटरेक्टिव है और काफ़ी अच्छे हैं, मतलब एक पॉजिटिव वाइब है यहाँ पर जो काफ़ी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि तो मैं मतलब अनकम्फर्टेबल है, हाँ बस अभी हम चेक कर रहे हैं कि और भी शॉप जहाँ पे हमें अच्छा अच्छा सामान देखे तो हम ले लें। नेक्स्ट यहाँ पे नहीं देख लो, बस आते आते बोल के चले सरोजनी की बारी। तो मम्मी आप वहाँ पीछे है, हमारे पीछे तो थे, अभी पता निकाल चले गए, तो कह रहे कि तुम देखो तुमको सामान। हाँ बोल दे, मोमोज खाना मतलब यहाँ का काफ़ी फेमस है, तो हम वो ही चेक करेंगे अभी, पहले सामान लेके फिर देखते हैं। तो आप वीडियो बिना स्किप करे देखना पूरी। कहाँ के? मॉल रोड के। यहाँ पे बहुत भीड़ लगी थी, हमने कहा यही है शायद, मतलब स्पेशल यहाँ का। इसका रिएक्शन देखते हैं कैसा रहेंगे, बता रहा हूँ, पता चल रहा है गर्म है बहुत, टेस्टी तो लग रहे हैं। कैसे हैं जी? ठीक है, ओके ओके। अच्छा, और अभी ये रहा व्यू, ये देखो पापा हमें मिल गए, खो गए पापा अभी अपने आप, कहाँ चले गए थे? चुके हैं 5:40 आई गेस, और हमने अब ले लिया है, इनका थोड़ा इशू हो रखा है यहाँ पे, सो हमने ले लिया है सामान नए है इशू के लिए, और अंशिका के लिए भी ले रखा है मैंने कुछ, सो सामान थोड़ा बहुत ले लिया। बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे प्राइजेस का बहुत लाइक फिक्स्ड प्राइस है, अगर कुछ बार्गेनिंग नहीं, कुछ ऐसा नहीं, डिस्काउंट नथिंग, तो ये प्रिपेयर करके आना अगर यहाँ से आपको सामान लेना है, तो यहाँ पे प्राइस बिल्कुल सेम है। कुछ कुछ शॉप में आगे सबको मिल जाएगा कि प्राइस थोड़ा बहुत वो कम कर दे, अदरवाइज नहीं, सारी सेम, सारी शॉप्स में सेम ही प्राइस रहता है। अभी हम आ रहे के लोकल हैंडक्राफ्ट मार्केट पे, सो यहाँ पे भी हम एक बार चेक कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तो हमने मॉल रोड की मार्केट घूम ही ली है, तो अब यहाँ पे भी हमें देख रहे थे कुछ अच्छा मिलेगा, तो हम वहीं पे चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी की वो बना रखा है, स्टैचू बना रखा है। अभी पापा करने वाले हैं, तो हम देखते हैं कि स्नो कितना शॉट मारते हुए, और दी भी करने वाली है, तो लेट्स सी द रिएक्शन, लेट्स सी द रिएक्शन। निशाना है भाई लड़की का, पापा ने यो आगे धीरे कर लिया दी का। ओह माय गॉड, मेरा वन टेक है, वन जो फर्स्ट वो घूम रहा था, हाँ जो फर्स्ट टेक में मेरा तो रिएक्शन निकल जाएगा ओएमजी, पापा ने 3-4 मारते स्टिल वापस हुआ नहीं, बट लास्ट का, हाँ बट लास्ट में पापा ने भी कर लिया 3-4 मतलब करने के बाद। तो अब हम वी आर लीविंग नाउ यहाँ से, तो अब जाएंगे बैटरी।
तो अब चलते हैं। 20 minutes later. So guys, we are back in rooms. और अभी 6:30 हो चुके हैं। ठंड बहुत हो गई। मतलब यहाँ पे ऐसा है ना कि दिन में भी तभी तुम्हें ठंड मतलब गर्मी लगेगी जब तुम कंटिन्यूसली धूप के आगे बैठ रहे हो। अदरवाइज यहाँ दिन में भी लाइक हमें तो यही फील है कि हमें दिन में भी थोड़ी ठंड है कि हमें जैकेट वगैरह वेयर करनी पड़ेगी। और अभी आते हुए तो कुल्फी जम गई। हाँ, मेरे हाथ पूरे ना फ्रीज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है। बट व्यू है गाइस, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। लाइक लिटरली अभी भी अगर मैं दिखाऊँ तो व्यू पीछे का ऐसा है, मतलब हमारे रूम से व्यू इतना प्यारा है कि हम चाहे तो यहीं पर ही सारे शूट कर सकते हैं। बट हाँ, जितने भी मनाली में जो जो फेमस जगह थी हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। और हाँ, अगर हम यहाँ की बात करें जहाँ हम अभी गए थे मॉल रोड की, तो वहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ, मैं एक शॉप को मेंशन कर दूँगी जो काफ़ी अच्छी शॉप है, जहाँ से हमने बच्चों की चीज़ें ली थी बेसिकली। वो अच्छी शॉप थी। हाँ, वहाँ पे मुझे अच्छा मटेरियल वगैरह भी अच्छा था, वहाँ पे प्राइस भी इतना हाई नहीं था एज़ कम्पेयर टू अदर शॉप्स। और शॉप्स तो बहुत सारी महंगे, मतलब महंगा तो सभी जगह है, यहाँ पे मॉल रोड में कुछ वो नहीं है सस्ता। बट हाँ, थोड़ी सी शायद डिस्काउंट कर दे किसी किसी शॉप में, बट हाँ प्राइस के लिए दे आर वेरी पर्टिकुलर विद द प्राइजेस। और यही सब है, बट अच्छा है वहाँ पे सामान, क्यूट क्यूट से सामान है। और जो आई लव मनाली यही सब लिखा होता है वो सब है, अच्छा है। मतलब हमने विजिट करा और हमने थोड़ा बहुत सामान भी लिया है, वो तो अभी मैं शो नहीं कर पाऊँगी सामान जो ले रखा है, बट हाँ हमने थोड़ा बहुत सामान भी ले लिया है। और अभी व्यू ऐसा हो रखा है हमारे रूम से। और कैसा लगा जीत कर? बहुत ओ आई पता है गाइस, उससे पहले वगैरह अरे मैं कर लूँगा, मैंने कहा मैं एक शूट। हाँ, एक ही बार मैं इतनी हूँ। पहले मैंने भैया से पूछी, मैंने कहा भैया इसको पकड़ना कैसे? हाँ, तो ऐसे पकड़ना। धीरे टाइम लिया, थोड़ा सा टाइम लिया, बट कर दिया एक टेक में। हाँ, टाइम लिया बट उन्होंने मतलब एक शॉट में सीधा कर दिया, लाइक दैट इज गुड। फिर अभी हम पहुँच चुके हैं, बस अभी हम थोड़ी चाय वाय पियेंगे एंड आई शुड लाइक यहाँ पे मैं ब्लॉग एंड भी कर रही हूँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई, क्या करना है इन्हें बता दो, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट कमेंट करना है। हाँ, और कमेंट करो और गाइस हमारे जो ये व्लॉग्स हैं बहुत फनी व्लॉग है सारे जो मनाली के जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं पहले के, और अब जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि यू गाइस लाइक बहुत ज़्यादा आप पसंद करते हैं मेरे ट्रैवलिंग व्लॉग्स। सो आई विल मेक श्योर कि हम और भी प्लान करेंगे ट्रैवल व्लॉग्स का और आपको कंटेंट देते रहेंगे। बट फॉर नाउ दिस इज इट फॉर द व्लॉग। इफ यू लाइक दिस व्लॉग डू लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय।